Hello friends, this is the third part of admission of a partner. Last videos के अंदर में मैंने आप लोगों को सिखाया था कि एक new partner admit होता है और उसकी capital जो रहती है दी हुई रहती है आपको sum के अंदर में और उसके basis पे आप लोग क्या करते हो, old partners के capital को readjust करवाते हो और old partners के capital का balance find out करते हो. अभी इस video के अंदर में हम लोग सीखने वाले हैं कि न्यू पार्टनर या इनकमिंग पार्टनर जो है उसकी कैपिटल का बैलेंस आप लोगों को नहीं दिया हुआ है. हाउ मच मनी ही इज गोइंग टू ब्रिंग इनटू बिजनेस इज नॉट गिवन टू यू. लिखा हुआ है कि ओल्ड पार्टनर्स जो हैं उनके कैपिटल के बेसिस पे न्यू पार्टनर के कैपिटल का कैलकुलेशन किया जाएगा. तो इस टॉपिक में हम लोग डील कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ द कैपिटल ऑफ द इनकमिंग पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ द कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर. ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल के बेसिस पे न्यू पार्टनर का कैपिटल हम लोग फाइंड आउट करते हैं. इसके लिए मैंने एक प्रॉब्लम सम डिजाइन किया है आप लोगों के लिए. ए एंड बी शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2. देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2016 वॉज कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है आप लोगों को ए 70,000 बी 60,000 जनरल रिजर्व आप लोगों को दिया है 20,000 बैंक लोन 18,000 creditors 72,000 bills payable 3,000 asset side में आ जाते हैं. machinery 66,000 furniture 30,000 investment 40,000 stock 46,000 debtors है 38,000 उसमें PVDD less हुआ है 4,000 का. net figure 34,000 का debtors आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है. goodwill 3,000 इस सम में गुडविल जो है वो आप लोगों को बैलेंस शीट में दिया हुआ है. इसका स्पेशल ट्रीटमेंट होता है तो वो आप लोगों को केयरफुली समझना पड़ेगा. फिर कैश कैश या बैंक जो भी आप लोग समझ सकते हो उसको 24,000 का बैलेंस आप लोगों को दिया हुआ है. फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन में आप लोगों को दिया हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2016 दे एडमिटेड सी फॉर 1/4 शेयर ऑन द फॉलोइंग टर्म. C brings in capital proportionate to his share after all adjustments and his share of goodwill was rupees 14,000 out of which he brings rupees 8,000. Likha hai C brings in capital proportionate to his share. Matlab uska jo profit mein share hai uske according wo capital leke aayega. Matlab kitna capital leke aane wala hai ye aap logo ko sum ke andar mein diya hua nahi hai. वो आप लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा. फिर आगे लिखा हुआ है हिज शेयर ऑफ गुडविल वॉज रुपीज 14,000 उसका गुडविल का शेयर था 14,000 आउट ऑफ विच ही ब्रिंग्स रुपीज 8,000 इन कैश. मतलब जो गुडविल का कंप्लीट अमाउंट है वो नहीं लेके आ रहा है, वो सिर्फ 8,000 कैश में ला रहा है और बाकी का 6,000 जो है वो नहीं लेकर के आया. फिर लिखा हुआ है डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10%. हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट वॉज टू बी टेकन ओवर बाय ए एंड बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड रिमेनिंग वैल्यूड एट रुपीज 26,000. मतलब जो इन्वेस्टमेंट था आप लोगों को बैलेंस शीट में ये रहा 40,000 का, उसमें से हाफ जो है वो पार्टनर ए एंड बी टेक ओवर कर लेंगे. किस रेशियो में? अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. और जो बाकी का हाफ बच जा रहा है यानी 20,000 बचा, उसका रिवैल्यूएशन करना है हम लोगों को 26,000 पे. मतलब 6,000 से उसकी वैल्यू अप्रिशिएट हो जाएगी. 40,000 का हाफ होता है 20,000 पार्टनर्स लेकर के चले जाएंगे. किस रेशियो में? अपने ओल्ड पीएसआर में. और जो बच गया 20,000 उसका रिवैल्यूएशन हो जाएगा 26,000 पे. दैट मीन 6,000 से उसकी वैल्यू अप्रिशिएट कर देनी है हम लोग. फिर दिया है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 3:3:2. ओल्ड पीएसआर था आप लोगों को दिया हुआ था स्टार्टिंग में 3:2. न्यू पीएसआर आप लोगों को बोल रहा है 3:3:2, तो ये हम लोग यूज करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड करने के लिए. प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर सीज एडमिशन. अभी चलते हैं हम लोग सबसे पहले जो है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरफ चलते हैं.
आप लोगों को सबसे पहले इन्फॉर्मेशन में दिया था डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10%। फर्नीचर की वैल्यू 10% से डेप्रिशिएट करनी है, तो फर्नीचर की वैल्यू हम लोग डेप्रिशिएट करते हैं, लिखेंगे टू फर्नीचर। 30,000 वैल्यू दी हुई थी आप लोगों को, उसका 10% होता है 3,000। तो सिंस आपका नुकसान हो रहा है, फर्नीचर की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, इसलिए हम लोगों ने डेबिट साइड में दिखाया है टू फर्नीचर। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 3,000 रुपीज। उसके बाद अभी इन्वेस्टमेंट की मैंने बात की थी आप लोगों से, 40,000 का वैल्यू था, उसमें से हाफ तो पार्टनर टेक ओवर कर ले रहे हैं, और जो बचा हुआ हाफ है उसका वैल्यू जो है वो 26,000 हो जाएगा। हाफ का वैल्यू होता है 20,000। 20,000 का इन्वेस्टमेंट का रिवैल्यूएशन करना है हम लोगों को 26,000 से, दैट मीन्स वी हैव टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय 6,000 रुपीज। सिंस हम लोग इन्वेस्टमेंट को अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों का फायदा हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। जब भी फायदा होता है, जब भी हम लोगों को कुछ बेनिफिट मिल रहा है, तो उसको हम लोग को रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में दिखाना है। जब भी हम लोगों को नुकसान होता है, लॉस हो रहा है, तब हम लोग क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन के डेबिट में दिखाते हैं। तो एंट्री हुआ इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन 6,000 रुपीज। फिर आ गया आप लोगों का प्रॉफिट, 6,000 माइनस 3,000, दैट इज 3,000 का आप लोगों को प्रॉफिट आया, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ये जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, किस रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा उनके ओल्ड पीएसआर में, दैट वॉज 3:2। 3:2 का रेशियो आप लोगों को सम के अंदर में ऑलरेडी मेंशन था, उस 3:2 के रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा 1800 और 1200, ये कैपिटल अकाउंट पे ट्रांसफर हो जाएगा। अब चलते हैं कैपिटल अकाउंट की तरफ में। कैपिटल का बैलेंस जो है वो आप लोगों को ऑलरेडी दिया हुआ था, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है वो आप लोगों को दिया हुआ था 70,000 60,000। तो ये बैलेंस जो है ये हम लोग शो करेंगे बाय बैलेंस बी बाय डी 70,000 60,000। फिर सम के अंदर में आप लोगों को रिजर्व दिया हुआ था, जनरल रिजर्व 20,000 का। ये 20,000 का जो जनरल रिजर्व है ये किसने क्रिएट किया होगा, ये पुराने पार्टनर्स ने, ओल्ड पार्टनर्स ने क्रिएट किया होगा। सो इसको क्रिएट करने के लिए किसका एफर्ट लगा, ओल्ड पार्टनर्स का, तो इसका बेनिफिट भी किसको मिलना चाहिए, ओल्ड पार्टनर्स को। इसलिए जब नए पार्टनर का एडमिशन होगा तब उस टाइम पे क्या करेंगे, हम लोग इस जनरल रिजर्व को पुराने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करवा देंगे इन देयर ओल्ड पीएसआर। तो ये फिगर कितना है, 20,000, ओल्ड पीएसआर है 3:2, तो 3:2 कितना हो जाएगा 12,000 एंड 8,000 बाई जनरल रिजर्व, 12,000 एंड 8,000, ये हम लोगों ने यहां पे दिखा दिया। फिर गुडविल आप लोगों को अपीयर कर रहा था बैलेंस शीट में। देखिए जो पार्टनर है उस पार्टनर का गुडविल का शेयर कितना हो रहा है, 14,000 सम के अंदर लिखा हुआ था, हिज शेयर ऑफ गुडविल वॉज 14,000, वो उसमें से सिर्फ 8,000 रुपीज लेकर के आया। पर गुडविल है कितने का, 14,000 का ना। अब इसके लिए वो कॉम्पनसेट तो कर रहा है ना पार्टनरशिप फर्म को। अब अगर वो कॉम्पनसेट ऑलरेडी कर रहा है और फिर वो देखता है कि बैलेंस शीट के अंदर में भी गुडविल दिखाई पड़ रहा है, तो जब पार्टनर का एडमिशन हो रहा है तो हम लोग उसको जो बैलेंस शीट प्रेजेंट कर रहे हैं उसके अंदर में उसे ये गुडविल दिखाई पड़ेगा। वो ऑलरेडी गुडविल के लिए 14,000 पे कर रहा है या पार्ट पे कर रहा है और बाकी का जो है वो कॉम्पनसेट करने के लिए तैयार है, तो वो इस गुडविल के लिए पैसे नहीं देना चाहेगा। और जब हम लोग अपनी बैलेंस शीट उसको प्रेजेंट कर रहे हैं तब उसमें ये गुडविल शो कर रहे हैं, इस गुडविल के लिए वो कॉम्पनसेशन नहीं करना चाहेगा, तो वो अपनी कैपिटल भी जो है वो इसके लिए नहीं देना चाहेगा, तो वो इसको मानने से मना कर देगा। वो बोलेगा इस गुडविल को बैलेंस शीट से आप लोग हटा दीजिए, पूरी तरह से आप लोग राइट ऑफ कर दीजिए। तो सिंस आपको गुडविल को राइट ऑफ करवाना है, तो गुडविल को जब राइट ऑफ करवाएंगे, गुडविल एक एसेट है, एसेट को जब हम लोगों को रिड्यूस करना है
या राइट ऑफ करना है तो उस एसेट को क्या करना पड़ता है, क्रेडिट करना पड़ता है। एसेट्स को इंक्रीज करने के लिए डेबिट करते हैं, तो रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस करवाना है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, टू गुडविल लिखेंगे। पर ये राइट ऑफ करवाएंगे कैसे, पुराने पार्टनर्स के बीच में, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बिकॉज ये गुडविल दिखाई किसकी वजह से पड़ रहा था, ओल्ड पार्टनर्स की वजह से ना, तो इसलिए ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को ही क्या करेंगे, हम लोग इस गुडविल से रिड्यूस करवा देंगे। क्योंकि इस गुडविल का बेनिफिट क्या हुआ होगा, पुराने पार्टनर्स को डेफिनेटली मिल रहा होगा, इसी की वजह से उनकी कैपिटल की वैल्यू में चेंजेस आया होगा। तो उसके इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को फिर से डेबिट कर देते हैं और गुडविल को राइट ऑफ कर रहे हैं इसलिए क्रेडिट कर देते हैं। तो जर्नल एंट्री हुई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन देयर ओल्ड पीएसआर, दैट इज 3:2। फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में लिखा हुआ था कि हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट विल बी टेकन ओवर बाय ए एंड बी इन देयर ओल्ड पीएसआर, तो वो टेक ओवर करवा देते हैं हम लोग। टू इन्वेस्टमेंट 12,000 8,000 शो कर दिया हम लोगों ने। फिर उसके बाद में जो है ये प्रॉफिट आया था रिवैल्यूएशन का, ये क्या होगा, पुराने पार्टनर्स को मिल जाएगा 1800 और 1200, जो यहाँ प्रॉफिट आया था वो ट्रांसफर कर दिया है हम लोगों ने। उसके बाद सम के अंदर में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ था दैट सी शेयर ऑफ गुडविल इज ₹14,000, आउट ऑफ विच ही ब्रिंग्स ₹8,000 इन कैश, 8,000 वो कैश में लाया और बाकी का जो 6,000 है उसका एडजस्टमेंट कर दिया जाएगा पार्टनर करंट अकाउंट के थ्रू। आप लोगों को लास्ट वीडियो में मैंने सिखाया था कि जब नया पार्टनर जो है वो गुडविल का शेयर नहीं लेके आ पाता है तब हम लोग क्या करते हैं, उसके करंट अकाउंट को डेबिट कराते हैं, वो भी तब जब हम लोगों को या तो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को रीएडजस्ट करना रहता है न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे, या फिर ओल्ड पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे हम लोगों को न्यू पार्टनर की कैपिटल फाइंड आउट करनी रहती है। तो इस सम के अंदर में हम लोगों को न्यू पार्टनर की कैपिटल फाइंड करनी है ओल्ड पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बाय सीज करंट अकाउंट दिखाएंगे। अगर बाय चांस इस सम के अंदर में ये कैपिटल का एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ रहता, हम लोगों को न्यू पार्टनर का कैपिटल कैलकुलेट नहीं करने का रहता, वो ऑलरेडी आप लोगों को दिया हुआ रहता, तो यहाँ पे हम लोग सीज कैपिटल अकाउंट भी दिखा सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। पर सिंस यहाँ पे हम लोगों को ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल के बेसिस पे न्यू पार्टनर का कैपिटल फाइंड आउट करना है, इसलिए हम लोग यहाँ कैपिटल अकाउंट नहीं दिखा सकते, सीज करंट अकाउंट दिखाएंगे। तो जर्नल एंट्री क्या हुआ, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा ये किस रेशियो में होगा, ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि ओल्ड पार्टनर्स का सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, ये रहा वर्किंग नोट 1। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो एज सैक्रिफाइस इक्वल्स टू ए का शेयर कितना था 3/5, न्यू पार्टनर के आ जाने के बाद में जो न्यू पीएसआर था वो कितना हो गया 3/8, बिकॉज ओल्ड पीएसआर था 3:2 और न्यू पीएसआर था, ओल्ड पीएसआर था 3:2 और न्यू पीएसआर है कितना 3:3:2, तो 3/5 था, न्यू शेयर उसका हो गया 3/8, तो वो माइनस करवाए हम लोग तो आया 9/40। बी का सैक्रिफाइस कितना हुआ 2/5 माइनस 3/8, दैट इज 1/40। तो अब ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना हो गया 9:1। इस 9:1 के रेशियो में हम लोग क्या करेंगे, ये जो गुडविल का शेयर है वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करवा देंगे बाय सीज करंट अकाउंट। कितना 6,000 था, 5,400 ए को मिलेगा, 600 बी को मिलेगा। फिर जो गुडविल का पैसा वो लेकर के आए दैट इज ₹8,000, वो ₹8,000 के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट दिखाएंगे। जर्नल एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा
सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, तो 9:1 के रेशियो में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया है। अब ये करने के बाद में हम लोगों को बोला गया था कि ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल न्यू पार्टनर विल ब्रिंग हिज कैपिटल। तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि ओल्ड पार्टनर्स की जो एडजस्टेड कैपिटल है वो कितनी आ रही है। तो लेट अस फाइंड इट आउट। इसकी टोटल क्रेडिट साइड की ए की टोटल आ रही है 96,400, उसमें से हम लोगों ने ये माइनस किया तो आ रहा है 82,600। बी का कितना हो रहा है 7,600 टोटल है, उसमें से हम लोगों ने माइनस किया 9,200 को तो आ रहा है 61,400। अब हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कि सी की कैपिटल हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे। ये देखिए कैलकुलेशन ऑफ सी कैपिटल। सी शेयर इन प्रॉफिट 1/4, सी 1/4 शेयर के लिए एडमिट हुआ है, सम में स्पेसिफाई किया हुआ था। स्पेसिफाई किया हुआ था सम के अंदर में सी फॉर 1/4 शेयर, एडमिटेड सी फॉर 1/4 शेयर। सो शी शेयर इन प्रॉफिट इक्वल्स टू 1/4, तो रिमेनिंग शेयर कितना बच गया 1-1/4, दैट इज 3/4। अब हम लोग देख लेते हैं एज एडजस्टेड कैपिटल कितना है 82,600, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया। बीज एडजस्टेड कैपिटल कितना है 61,400। सो कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी कितना हो गया 1,44,000, पर ये 1,44,000 इज फॉर 3/4 शेयर, बिकॉज रिमेनिंग शेयर था कितना 3/4। न्यू पार्टनर अगर आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, तो जो पुराने पार्टनर्स हैं उनके लिए कितना शेयर बच जाता है 3/4 शेयर ही। तो ये ए और बी का जो कैपिटल है ये क्या इंडिकेट करता है 3/4 शेयर ही इंडिकेट करता है। तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना होगा। देयरफॉर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इक्वल्स टू 1,44,000 इंटू 4/3। ये कितना हो गया, ये 4/3 मैंने क्यों किया, ये 4/3 मैंने इसलिए किया है बिकॉज 1,44,000 इज 3/4। यूनिटरी मेथड फॉलो कर रहे हैं, सिंपल यूनिटरी मेथड है। तो 3/4 शेयर अगर 3/4 इक्वल्स टू होता है 1,44,000, सो 1 इक्वल्स टू दैट इज टोटल कैपिटल इक्वल्स टू कितना होगा 1,44,000 इंटू 4/3। सिंपल यूनिटरी मेथड है और कुछ नहीं है। तो उसके बेसिस पे क्या आ गया फर्म का टोटल कैपिटल कितना है 1,92,000। स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, स्टूडेंट यूजुअली मिस्टेक ये करते हैं कि ए और बी की कैपिटल वो लोग फाइंड करते हैं 1,44,000 और फिर इस 1,44,000 से सी का 1/4 कैपिटल फाइंड आउट करते हैं। ये मिस्टेक नहीं हो, इसको आप लोग हमेशा याद रखना कि 1,44,000 इज फॉर 3/4 शेयर। तो टोटल कैपिटल आप लोगों को फाइंड करनी पड़ेगी। टोटल कैपिटल क्या होगी, जो कंबाइंड कैपिटल आई है ए एंड बी की, वो दैट मल्टीप्लाइड विथ 4/3, यानी जो आप लोगों का ओल्ड पार्टनर्स का जो रिमेनिंग शेयर है उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना आता है 1,92,000। तो सी कैपिटल इक्वल्स टू 1,92,000 इंटू 1/4, दैट इज 48,000। सो सी विल ब्रिंग 48,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। तो हम लोग लिखेंगे बाय बैंक 48,000। अब तीनों पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस हम लोगों ने फाइंड कर लिया, टू बैलेंस सी बाई डी 82,600, 61,400 और इसका 48,000 जो भी वो कैपिटल लेकर गया है। अब आ जाते हैं हम लोग बैलेंस शीट की तरफ में। बैलेंस शीट एज ऑन 1st April 2016, दैट इज आफ्टर सीज एडमिशन। कैपिटल का बैलेंस आप लोगों ने फाइंड किया था कितना
82,600, 61,400, 48,000. वो हम लोगों ने दिखा दिया ए बी और सी का रेस्पेक्टिव कैपिटल. आप लोगों का जो टोटल कैपिटल है वो 1,92,000 हो गया. बैंक लोन आप लोगों को सम के अंदर में दिया हुआ था 18,000, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था एज इट इज हम लोगों ने दिखा दिया. क्रेडिटर्स 72,000 दिया हुआ था वो दिखा दिया. बिल्स पेबल भी ऑलरेडी था उसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं, 3,000 दिखा दिया. सम के अंदर में आप लोगों को जनरल रिजर्व दिया हुआ था, पर वो जनरल रिजर्व क्या हो गया, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में इन देयर ओल्ड पीएसआर डिस्ट्रीब्यूट हो गया. उसके बाद आते हैं हम लोग मशीनरी की तरफ में. मशीनरी की वैल्यू आप लोगों को 66,000 थी, वो 66,000 एज इट इज रह गई. फर्नीचर की वैल्यू आप लोगों को 30,000 दी हुई थी, बट उसमें 10% का आप लोगों को डिप्रिसिएशन करना था तो वो 27,000 हो गई. इन्वेस्टमेंट आप लोगों को 40,000 दिया हुआ था, हाफ हैज बिन टेकन ओवर बाय ए एंड बी एंड द रिमेनिंग हाफ हैज बिन रिवैल्यूड एट रुपीज 26,000, तो वो इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने 26,000 का रिमेनिंग जो है वो शो कर दिया. डेटर्स लेस पीवीडीडी जो ओरिजिनली था वही रह गया 34,000. फिर उसके बाद में जो हम लोगों ने सी के शेयर ऑफ गुडविल के लिए विच पार्ट ही डज नॉट ब्रिंग इन टू बिजनेस, जो पार्ट वो नहीं लेके आया था कैश में, उसको हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया सी करेंट अकाउंट के थ्रू. हम लोगों ने वहां पे जर्नल एंट्री पास की थी बाई सी करेंट अकाउंट 5,400 और 600, 6,000. ये 6,000 हम लोग यहाँ पे शो करेंगे. स्टॉक की वैल्यू जो है वो आप लोगों को ओरिजिनली दी हुई थी 46,000, वो एज इट इज यहाँ पे आ गया. कैश का फिगर जो है, कैश और बैंक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कैश और बैंक कुछ भी यूज कर सकते हो. मैंने वहां बैंक लिखा है पर जो फिगर है वो मैंने यहाँ पे कैश में ही ऐड करवाया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप लोग कैश के साथ में भी कैश लिख के भी दिखा सकते हो, बैंक भी लिख रहे हो तब भी कैश में ऐड करवा सकते हो. आप लोग को ऑलरेडी बैलेंस दिया हुआ था 24,000, वो 24,000 आप लोगों ने दिखा दिया. फिर उसके बाद में सी अपना प्रीमियम फॉर गुडविल का 8,000 लेकर के आया था, वो 8,000 दिखा दिया. और कैपिटल का वो 48,000 लेके आया था, वो हम लोगों ने शो कर दिया. तो सी कैश का जो बैलेंस है वो कितना हो गया, 80,000. एसेट साइड का और लाइबिलिटी साइड का हम लोगों ने टोटल कर लिया, इट कम्स आउट टू बी 2,85,000. आई होप यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आप लोगों का पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा. आगे के लेक्चर में मैं आगे के टॉपिक का डिस्कशन कंटिन्यू करूँगा.